दोस्तों, ये हमारे पास 9 वाट का ड्राइवर सर्किट है। आज हम इसको रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी ड्राइवर सर्किट है उसको हम रिपेयर करते हैं, चाहे फुल डेड हो। आप अगर एलईडी ड्राइवर अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादातर ड्राइवर सर्किट को रिपेयर करना आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसका फिजिकली दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कैपेसिटर फुला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसका जो भी ऊपर का कवर है तो ये देखिए फूल चुका है। और इसका दोस्तों वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 100 वोल्ट का था और यहाँ पर मेयो की बात करें तो यहाँ पर 47 मेयो का था, तो 100 वोल्ट का कैपेसिटर था। और यहाँ पर जो भी दोस्तों आप ड्राइवर सर्किट अगर रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फिजिकली चेक करना है कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पर फिजिकली दोस्तों आप ये देख सकते हैं, कैपेसिटर पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर फूल गया है, यानी ये हमारा खराब हो चुका है। और यहाँ पर देखिए इंडक्टर कोयल, देखिए देखिए मैं पास से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो इंडक्टर कोयल है, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट से इसके देखिए ढीला हो गए हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा कोयल हिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, इस कंडीशन में आपको कैपेसिटर बदलना है। तो आप एक कैपेसिटर बदल लीजिए और यहाँ पर डी शोल्डिंग कर लीजिए। यहाँ पर जो भी हमारे शोल्डिंग ढीला है उसको आप शोल्डिंग कर लीजिए और यहाँ पर कैपेसिटर। तो मैं दोस्तों सबसे पहले दोनों काम कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप कैपेसिटर को लगा रहे हैं, देखिए मैं सीएम वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पर निकाल लिया हूँ। यहाँ पर देखिए ये 100 वोल्ट का है और 47 मेयो का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 वोल्ट 47 मेयो। अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों ये डीसी कैपेसिटर होता है, इसमें प्लस माइनस दिया रहता है। देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल बना है तो ये हमारा माइनस वाला हो गया और इधर का हमारा प्लस पॉइंट हो गया। अब इसमें कैसे माइनस प्लस, तो यहाँ पर जो भी हमारा सर्किट रहता है यहाँ पर आपको प्लस माइनस दिखेगा। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो आपको सिंपल सा दोस्तों प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस इस प्रकार से रख करके आपको यहाँ पर इसको लगा करके शोल्डिंग करना है। इसको भी हम शोल्डिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कैपेसिटर को अच्छे से शोल्डिंग कर लिया हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा कॉयल था, जो भी दोस्तों इंडक्टर कॉयल जो डी शोल्डिंग हो गया था, इसको मैं शोल्डिंग कर लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर आपको अच्छे से शोल्डिंग कर देना है। देखिए हम अच्छे से इसमें शोल्डिंग कर दिए। यहाँ पर आप इसके पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों हमारा ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब इसको टेस्ट एक बार कर लेते हैं, अगर जलता है तो ठीक है, वरना तो जो भी इसमें फॉल्ट आएगा आगे भी इसको रिपेयर करेंगे। तो जितना दोस्तों मुझे फिजिकली फॉल्ट दिखा उतना मैं रिपेयर किया। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले वोल्टेज देख कर देखते हैं, यहाँ पर एसी वोल्ट। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ और हम अपनी सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सीरीज बोर्ड में लगा दिए और हमारा जो एमसीपीसीपी है दोस्तों फुल ग्लो कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, फिजिकली फॉल्ट से ही हमारा बन गया है, यानी जो भी दोस्तों इसमें फिजिकली फॉल्ट था सिर्फ वही था। और एलईडी बल्ब हमारा अच्छे से ग्लो हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज भी दिखाता हूँ। देखिए मल्टीमीटर को 200 के रेंज में डीसी पर सेट कर लिए हैं और एमसीपीसीपी पर वोल्टेज भी आपको दिखाते हैं कितना हमारा वोल्टेज आ रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा जो दोस्तों वोल्टेज है वो देखिए कितना आ रहा है। मुझे दोस्तों दिख नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों जो रोशनी है वो मेरे आँख में चुभ रही है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो हमारा वोल्टेज दोस्तों आप देख सकते इतना आ रहा है। अब इसके बाद दोस्तों जो भी हमारा दोस्तों सर्किट था वो हिचकली फॉल्ट से ही बन गया, यानी दोस्तों जो भी इसमें फॉल्ट था वो हमारा कैपेसिटर का था और यहाँ पर जो दोस्तों इंडक्टर कॉइल था वो हमारा ढीला हो गया था। दोस्तों आप इस प्रकार से ड्राइवर सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको रिपेयर कर दिया और दोस्तों इसका जो लाइफ है वो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ भी जो भी जला था वो मैंने दूसरे ड्राइवर सर्किट से कंपोनेंट निकाल कर देख सकते हैं, सेम वैल्यू का मैं लगा दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर का हालत आप देख सकते हैं, इस प्रकार से था। तो आप इस प्रकार से दोस्तों एलईडी बल्ब को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।